क्या जी स्पॉट से ऑर्गेजम मिल सकता है? एक स्त्री को सिर्फ जी स्पॉट स्टिमुलेशन करने के बाद में ऑर्गेजम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके बाद में काफी विवाद है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फीमेल ऑर्गेजम, ये बहुत बड़ा विषय है। जी स्पॉट मतलब ग्रेफेनबर्ग स्पॉट, इसको बोलते हैं जी स्पॉट। ये स्पॉट की खोज जो है वो लेडी ने की थी, उसका नाम है डॉक्टर बीवरली विपल। तो उन्होंने ये देखा एक्सप्लोरेशन में कि भाई एक स्पॉट ऐसा वजाना के अंदर होता है, एक ऐसा एरिया होता है कि जो बहुत ही सेंसिटिव है, अप्रोक्सीमेटली 1/2 इंच टू 1 इंच, और वजाना के समझो ऐसी इस तरह का वजाना है तो ऊपर के वॉल पे अंदर 1 इंच में वो जी स्पॉट होता है कि जो बहुत सेंसिटिव होता है, और उसको यदि स्टिम्युलेट करते तो ऑर्गेजम का अनुभव एक्सपीरियंस बहुत हाई एक्सपीरियंस, चरम सीमा मतलब सेक्स की चरम सुख मिलने की जो स्टेज होती है वो मिल जाती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जी स्पॉट इज नथिंग बट ये क्लाइटरल जो प्लेक्सस है उसका ही पार्ट है, मतलब एक्सटेंडेड क्लाइटोरिस ऐसा बोलते हैं। एनीवे मतांतर अलग अलग मत है उसके बारे में। तो जी स्पॉट को यदि स्टिम्युलेट करते हैं तो ऑर्गेजम मिलता है, ऑर्गेजम का अनुभव आता है, बहुत अच्छा लगता है। और यूजुअली लेडीज जो है वो जब अकेली मास्टरबेट करती है तो वो जी स्पॉट को एक्सप्लोर कर सकती है कि भाई मेरा जी स्पॉट कहाँ है, मतलब कोई भी लेडी एक खुद एक्सप्लोर करके देख सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे हो सकता है ऊपर के एग्जैक्टली आधा इंच 1 इंच जो लोकेट करना है तो उसको लोकेट करना है अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करके कि भाई कहाँ टच करने से, कहाँ स्टिमुलेट करने से मुझे ज़्यादा सेक्स का एक्साइटमेंट आता है, मज़ा आती है। और वही जिसको मालूम पड़ा कि नहीं हाँ ये पर्टिकुलर स्पॉट है अंदर जिसको जी स्पॉट बोलते हैं, फिर उसके साथ में वो खेल सकती है, स्टिमुलेट कर सकती है, सेक्स टॉयज डाल के उसको एक्साइट कर सकती है, और एक्साइट करके उसको ऑर्गेजम का मजा आ सकता है। उसको एक्साइट करने के बाद में स्क्विरिटिंग भी हो जाता है, मतलब जो फ्लूइड निकलता है सेक्स के समय वो फ्लूइड भी स्क्विरिटिंग बोलते हैं, स्क्विरिटिंग, तो वो भी निकल जाता है और उसको वो भी मजा आता है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं वजाइनल पेनिट्रेशन जब करते हैं, मतलब वजाइना में जब पेनिस का इंसर्शन होता है तो वजाइनल वॉल जो है वो भी एक्स्ट्रा सेंसरी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सेंसेशन आता है, जी स्पॉट को भी आता है। तो फिर वो और साथ साथ फिर आप जब सेक्स कर रहे हैं तो उंगली से आप क्लाइटोरल स्टिमुलेशन भी करो, ताकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत एक्साइटमेंट कॉज कर सकता है, मतलब वजाइनल स्टिमुलेशन, वजाइनल इंसर्शन, जी स्पॉट का इंसर्शन और उंगली से आप क्लाइटोरल स्टिमुलेशन कर रहे हैं, तो ये कॉम्बो दिया कॉम्बिनेशन, तो स्त्री को ऑर्गेजम अचीव करने में, जल्दी अचीव करने में फ़ायदा होगा, बहुत आनंद आएगा। और फिर उस समय यदि बाकी भी पार्ट को मसाज करते हैं या बाकी भी पार्ट लाइक निपल सकिंग है, निपल को स्टिमुलेशन करना है वो भी करते हैं, या ब्रेस्ट को स्टिमुलेशन करना है सकिंग है तो वो भी करते हैं, तो उससे भी काफ़ी सारा एक्साइटमेंट आ सकता है। 2017 की एक स्टडी है, उसमें ये पाया गया कि वजाइनल स्टिमुलेशन से ऑर्गेजम आना, सिर्फ वजाइनल स्टिमुलेशन से, वो सिर्फ 17% स्त्रियों को भी होता है, सिर्फ स्त्रियों में होता है 17%, मतलब 100 में से सिर्फ 17 औरतों को ही ऑर्गेजम का अनुभव आता है यदि सिर्फ वजाइनल इंटरकोर्स किया तो। तो वजाइनल इंटरकोर्स में शुरू में ये भी होना चाहिए कि आप क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं, फोर प्ले करते हैं, जी स्पॉट को स्टिमुलेट करते हैं, वजाइना को फिंगरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जब आता है उसके साथ साथ फिर ब्रेस्ट को स्टिमुलेशन करना, निपल को स्टिमुलेशन करना, जो भी सेंसिटिव एरिया बॉडी के है उसको मसाज करना, ऐसा करके जब वो फोर प्ले में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है, अराउजल हो जाता है, बाद में इंसर्शन करना जरूरी है, तो फिर 100% महिलाओं को ऑर्गेजम आएगा। अदरवाइज सिर्फ वजाइनल करके नहीं आता है, और फिर बहुत सारी महिला जो है वो चिढ़ जाती है, वो इरिटेट होती है कि भाई वो पति को बोलते हैं कि भाई मुझे तो कुछ समझ में आता ही नहीं, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, आप आए आप करके चले गए, क्योंकि सिर्फ 17% लोगों को ही, मतलब महिलाओं को ही सिर्फ ऑर्गेजम आता है वजाइनल स्टिमुलेशन से। तो फिर एक इंटरकोर्स में ये जानना जरूरी है, करना जरूरी है कि भाई आप वजाइनल स्टिमुलेशन भी कर रहे हैं, उसके पहले क्लाइटोरल स्टिमुलेशन भी है, और फिर उंगली से या फिर कोई सेक्स टॉय से क्लाइटोरल स्टिमुलेशन कर रहे हैं। जब क्लाइटोरल स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो सेक्स टॉय से वजाइनल स्टिमुलेशन और जी स्पॉट भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। कुछ लोग कॉम्बो का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बो मतलब एनल स्टिमुलेशन भी करते हैं, और एनल स्टिमुलेशन के लिए भी सेक्स टॉय का इस्तेमाल करते हैं, तो एनल स्टिमुलेशन भी हो रहा है, वजाइनल स्टिमुलेशन भी हो रहा है, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन भी हो रहा है, उधर ब्रेस्ट और निपल का भी स्टिमुलेशन करें, मतलब सब तरह से, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की अत्युच्च सीमा पार कर सकते हैं। तो जी स्पॉट का ये महत्व है, जी स्पॉट
जब स्त्री एक स्त्री मास्टरबेट करती है तो उसमें भी उसको बहुत आनंद आता है जी स्पॉट का स्टिमुलेशन करके, और क्लैटरल का स्टिमुलेशन करके तो आता ही आता है, वजाइनल स्टिमुलेशन वजाइनल वाल का उसमें भी वो मास्टरबेट करके उसको आनंद आता है। तो जी स्पॉट इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर सोलो मास्टरबेशन या सोलो एक्साइटमेंट, और एक स्त्री वो करके बहुत अच्छा अनुभव आनंद ले सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।